गेंद, इस बार ये बेहतर गेंद थी। पढ़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया था, हल्की सी अपील वहां पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन वहां पर नकाला पूरी तरीके से अंपायर ने, कहा कि ना ये गेंद बहुत ज्यादा स्टंप को मिस कर रही थी बगैर किसी रन या नुकसान के। चार बिना विकेट के नुकसान पर शुरुआती साझेदारी बीच मैदान में ही, ओवर द स्टंप ये गेंद इस बार निकालने की कोशिश, LBW का ये पहला पतंग गिरता हुआ, कलाई को घुमाने की कोशिश की थी लेकिन बल्ले और गेंद में काफी जगह रही और उस जगह का इम्तिहान, ये पहला विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 1 फेल डाउन, 4 for the loss of 1, 4-1 विकेट के नुकसान पर ये पहले ओवर का खेल अब जाके पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है गेंदबाज ने। 237 जो लक्ष्य दिया गया है और उसकी जवाबी कार्रवाई में ये पहला पतंग गिराती हुई चेजिंग करते हुए ये टीम अंपायर को परखा, उन्होंने जाका, उन्होंने नॉट आउट का इशारा दिया था और इस बार कलाई को घुमाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, संपर्क हुआ वो जो पैड बल्लेबाज के है ना सामने, बिल्कुल उनके पैडों पर गेंद लगी, जोरदार अपील सूद समेत विकेट कीपर द्वारा, इसमें उत्सव भी नजर आया, इसमें जोश भी नजर आया और अंपायर ने चलते चलते LBW की उंगली जो है ना वो हवा में बुलंद की, कहा बल्लेबाज को कि आप ड्रेसिंग रूम का रास्ता नाप सकते हैं। उमर आलम स्पिनर की भूमिका निभाते हैं टीम में, लेकिन थोड़ा सा ये हैरान सा फैसला है कि नानिल के ग्राउंड में 237 के जवाबी कार्रवाई में अब पहला ओवर स्पिनर को दे रहे हैं। ये अफतान का वो कहते ना कि वो जिगर वाला फैसला, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये रहा होगा। फिर से उमर आलम गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, एक ऐसे खिलाड़ी है जिसमें काफी उत्सव है, एक ऐसे खिलाड़ी है जिसमें वो एक्सपीरियंस है और एक ऐसे खिलाड़ी है ना जिसमें वो काफी वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, लगातार ये चीजें उनके श्रेय में नजर आती है जब भी T20 फॉर्मेट का मुकाबले रहते हैं। फिलहाल नया बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं रईस और नंबर एक स्थान का बल्लेबाज, इसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये चाइना वाल जैसा मामला होता है क्योंकि इस बल्लेबाज के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब ये बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये जिम्मेदारी रईस निभाएंगे? पहली गेंद खेला था सीधे बल्ले से स्ट्रोक, लेकिन वहां पर उमर आलम ने फॉलो थ्रू में आकर गेंद को पकड़ ली, रन बनाने का कोई सवाल नहीं। पहला ओवर हुआ समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 4 रन में 1 विकेट के नुकसान पर पथु स्पोर्ट्स दूसरे बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन दक्षिण पोरा ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी, पहली बल्लेबाजी की वो शानदार और जानदार थी, अब 236 रन बोर्ड पर लाकर खड़ा कर देते हैं, इसे बेहतर बात टीम के लिए नहीं हो सकती है खासतौर पर इन लिमिटेशन T20 के फॉर्मेट में। एक ओवर समाप्त 4 रन और 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। लाल साहब कह रहे थे कि दर्शकों की काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि ये मैदान खूबसूरत है और यहां के लोग खूबसूरत है, इसलिए जब एटमॉस्फेयर आप हर दिशा में क्रिएट करते हैं ना, आउटपुट ये मिलने वाला है कि मैदान की खूबसूरती और मैदान की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल पावर प्ले के 6 ओवर में मैक्सिमम 2 खिलाड़ी बाहर, मिनिमम 1 खिलाड़ी बाहर और फिलहाल उसी श्रेय में यहां पर कप्तान फील्डिंग की जमावट कर रहे हैं। विकेट कीपर समेत 2 स्लिप तैनात है, गली थोड़ा सा वाइड पर है और डीप पॉइंट खाली क्षेत्र है और एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं।